हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुबोध और हमारी पहली साइंस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे एक साइंस फिनोमेना के बारे में कि व्हाई स्काई इज ब्लू। ये जो हमारा आसमान है ये नीले कलर का क्यों होता है। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये इन्वेंशन जो है वो सीवी रामन ने किया था, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे और उन्हें इसके लिए एक नोबल पारितोषिक भी मिला था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखता है। सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, वो होती है कि हमारी जो वाइट रे होती है, जो सूरज से आती है वाइट रे, वो 7 कलर्स की होती है। जब हम प्रिज्म से कोई रे को गुजारते हैं तो उसका फ्रैगमेंटेशन 7 कलर्स में होता है। इसी तरह दोस्तों, हमारे अर्थ के आजू बाजू में एक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट है और वो ब्लैंकेट जो बना है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। जब ये सन की रेज उन मॉलिक्यूल से जब गुजरती है तो वो स्कैटर होने लगती है। जैसे प्रिज्म में जो कलर है वो जैसे फ्रैगमेंट होता है, वैसे ही ये रे फ्रैगमेंट होती है जब एटमॉस्फेयर से निकलती है। अब देखिए दोस्तों, हर रे का एक अलग अलग वेवलेंथ है। तो दोस्तों, रेड की जो वेवलेंथ है वो बड़ी है और लास्ट में जो कलर बचता है वो होता है वायलेट। जब प्रिज्म से कोई वाइट बीम हम भेजते हैं और वो फ्रैगमेंट होती है, तो वो फ्रैगमेंट होने के बाद सबसे पहले हमको फर्स्ट कलर मिलता है रेड, उसके बाद लास्ट कलर मिलता है वायलेट। जो तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है और वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जब एटमॉस्फेयर से जब वो रे गुजरती है तो वो रे स्कैटर होती है। और देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो वेवलेंथ है वो जब बड़ी होती है तो दोस्तों उसका जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो कम होता है, और जो वॉयलेट कलर है उसका स्कैटरिंग एंगल जो होता है वो बड़ा होता है, या फिर वॉयलेट के पहले जो ब्लू कलर है उसका स्कैटरिंग एंगल जो है वो बड़ा होता है। तो दोस्तों, जब ये सनरेज जो है वो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट से जब गुजरती है, उस वक्त जो होता है ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और उसके कारण हमें यह आसमान नीला दिखता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है अब यहाँ पे कि वॉयलेट तो सबसे ज़्यादा स्कैटर हुआ, फिर वॉयलेट क्यों नहीं दिखता है आसमान। तो दोस्तों, इसका भी एक रीज़न है। दोस्तों, हमारी जो आँखें हैं, आँखें उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वेवलेंथ की, वो होती है एक्चुअली 380 नैनोमीटर से लेकर 740 नैनोमीटर्स तक। मतलब इतने एरिया में अगर कोई प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमारी आंखें उसे सेंस कर सकती है, ना तो उसके कम का सेंस कर सकती है ना तो उसके ज़्यादा का सेंस कर सकती है। तो दोस्तों, होता यह है कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 450 नैनोमीटर्स, आई के मिनिमम डिटेक्ट करने की वेवलेंथ होती है 380 नैनोमीटर्स। मतलब ब्लू कलर थोड़ा तकरीबन पास में है, और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर्स। तो दोस्तों, ये वेवलेंथ जो है वो बहुत करीब करीब है और आंखों की सेंसिटिविटी की करीब करीब है। इन सबको आंखें जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है और उनका मिक्सिंग हो जाता है ब्लू कलर में। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि हमें आसमान जो है वो ब्लू दिखता है, और एक एक्स्ट्रा रीज़न जो वायलेट क्यों नहीं दिखता है वो भी मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो बिंदास्त आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान का प्रसार हो सके, यही हमारी सबकी इच्छा होनी चाहिए। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही विज्ञान की जानकारियों के साथ आता रहूँगा।